हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है पुष्प के प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के, और वीडियो में बात कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का करंट अफेयर्स 19 जुलाई 2019 के लिए है, तो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी ये करंट अफेयर्स है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में से हेल्प हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड यहाँ पर, वो है इसरो से जुड़ा हुआ। इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? जी हाँ फ्रेंड, इससे पहले हाल में ही टाल दिया गया था, जो कि फिर से दोबारा लॉन्च होने की तैयारी की जा रही है, और इसका डेट जो रखा गया है वो 22 जुलाई 2019 इसका डेट रखा गया है लॉन्च होने की, जो कि रात में 2:00 समथिंग पर इसे लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है हाल ही में किस शहर में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा फ्रेंड, आप देख सकते होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू दिल्ली और मुंबई। तो आपको एक आंसर जल्दी से बताना है, मैं आपको इसका सही आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली, इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट आपको अपडेट देता रहता हूँ और डेली करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक मैथिली को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया है? तो इसका सीधा ही मैंने आंसर लिखा है, दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है, 8वीं से 12वीं तक मैथिली को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल कर लिया है दिल्ली सरकार के द्वारा। चौथा यहाँ पे करंट अफेयर है, किसके द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर 9 में से 1 आदमी भूख से पीड़ित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जारी रिपोर्ट में ये सामने आया है। अब बात कर लेते हैं पाँचवें करंट अफेयर्स के, तो हाल ही में किस राज्य में केंद्र विश्वविद्यालय और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यसभा ने केंद्र विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा आंसर होगा इसका? आंध्र प्रदेश, विधेयक पारित किया गया है जनजातीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो करंट अफेयर्स है, किसे हाल ही में आईटी कंपनी माइंडट्री का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा एएम नायक को। तो एएम नायक को जो है उसको नियुक्त किया गया है चेयरमैन आईटी कंपनी का। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले करंट अफेयर की, तो अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपको डालता रहता हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर जो भी आए तो उससे मदद मिल जाए। बात कर लेते हैं सरकार सितंबर, यानी केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बन रही है? तो इसका आंसर है रोटा वायरस को लागू कर लिया जाएगा सितंबर 2019 तक, इसकी योजना बनाई जा रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आठवें करंट अफेयर की, तो जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मेघालय, आंसर होगा मेघालय। और नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 76वां देश बना है? तो इसका आंसर है पलाऊ, यानी कि सौर देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला यह 76वां देश बन गया, तो इसका आंसर है पलाऊ। पलाऊ जो है वो 76वां देश बन गया है। अब यहाँ पर करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं दसवें करंट अफेयर्स की, तो दसवां करंट अफेयर है, LVMH के चेयरमैन बोनार्ड अर्नोल्ट किसे पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? तो इसका आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स पहले दूसरे सबसे अमीर आदमी थे, जो कि अब तीसरे हो गए हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। तो बिल गेट्स तीसरे सबसे अमीर आदमी हो गए और दूसरे नंबर पर आ गए हैं LVMH के चेयरमैन बोनार्ड अर्नोल्ट। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे ये 10 करंट अफेयर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, सोशल मीडिया फ्रेंड के साथ, ताकि अगर वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ से मदद मिल जाए।
तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।